अच्छा जी, तो जो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स करेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट स्टार्ट, उसका नाम है एडर। एडर जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज। दो तरह के एडर्स जो है कॉम्बिनेशन लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन के अंदर यूज किए जा सकते हैं। वन इज हाफ एडर एंड द सेकंड वन इज फुल एडर। हाफ एडर ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो दो वैल्यूज के दरमियान एडिशन परफॉर्म करता है, और फुल एडर जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो थ्री वैल्यूज के दरमियान एडिशन परफॉर्म करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले हाफ एडर को और देखेंगे कि हाफ एडर किस तरह से काम करता है, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, उस ट्रुथ टेबल में इनपुट से आउटपुट कैसे ड्राइव की जाती है, और फिर उस आउटपुट से हम उसका बूलियन फंक्शन कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग के मैप, और फिर उस बूलियन फंक्शन से जो है लॉजिक सर्किट जो है किस तरह से डिजाइन किया जाता है, और उस लॉजिक सर्किट को हम रन करके देखेंगे कि क्या वो वाकई ही एडिशन का काम कर रहा है दो वैल्यूज के दरमियान या नहीं कर रहा। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फुल एडर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर। तो हाफ एडर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का जो डिजाइन प्रोसीजर है उसका पहला स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज को निकालना, कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये पता लगाना कि इसमें इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी हैं और या इनपुट वैल्यूज कितनी हैं टोटल। तो हाफ एडर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो दो वैल्यूज को ऑपरेशन परफॉर्म करता है एडिशन का। इसका मतलब है कि इनपुट वैल्यूज वही दो वैल्यूज हैं जिनके वो यूज करते हुए हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से हम इनपुट वैल्यूज हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं 1 इज ए एंड 1 इज बी, ये दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान हमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो टू वैल्यूज का जो ट्रुथ टेबल है वो डेफिनेटली 0 से लेकर 3 तक होगा। उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, या तो 0 0 होंगे या 0 1 होगा या 1 0 होगा और या 1 1 होगा। अब जब हम दो वैल्यूज के दरमियान एडिशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आते हैं। जो कॉम्बिनेशन लॉजिक का डिजाइन प्रोसेस था उसमें सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप था कि आपने इनपुट से जितनी भी लॉजिक को यूज करते हुए आउटपुट ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इसमें जो गिवन लॉजिक है वो ये क्या है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है एडिशन का, और जब भी आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट में या उन दो वैल्यूज के एडिशन का सम आता है, ठीक है, और या कैरी आता है एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो आप ये देखेंगे जब भी आप 4+5 करेंगे लेट्स से तो वो क्या आएगा आपके पास सम 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5+5 को ऐड करूंगा तो सम जो है हमारे पास क्या आएगा 10। लेकिन हम उसको लिखते कैसे हैं, 0 हम लिखते हैं सम के अंदर और ये जो 1 है ये कैरी में आ जाता है। ये कैरी में अगर नेक्स्ट की वैल्यू नेक्स्ट से यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो फिर ये 1 यहाँ नहीं आएगा, ये 1 यहाँ पे जाके कैरी में ऐड हो जाएगा और ये आपके पास क्या आएगा 1+1 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप ये देखिए कि आपने 5+5 को ऐड किया तो सम में आपके पास 10 नहीं लिखा, आपने 0 लिखा है और 1 आपके पास जो है वो कैरी में चला गया है, और अगर यहाँ पे एंड पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर वो 1 यहाँ पे 0 के साथ आ जाएगा। तो सम में हम लिखेंगे 1 0। क्यों 1 0 लिखेंगे, बिकॉज जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो तो 9 तक होता है और 9 के बाद जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स होता है। जैसे मैंने कहा कि 9 के बाद दो डेसिमल नंबर्स 1 और 0 ऐड हुआ, 1 0 बन गया, फिर 1 1 बन गया, फिर 1 2, और इसी तरह के डेसिमल नंबर सिस्टम जो है आगे इनकी सीरीज जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एक हमारे पास सम आएगा आउटपुट में और एक आएगा हमारे पास कैरी। तो हमने एस जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया फॉर सम और सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी। तो हम यहाँ पे एस और सी के अलावा कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लेटर से हर जो देखते हैं पता चलेगा ये फ्लान आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फ्लान इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कोशिश करेंगे वो यूज करें। तो इसलिए हमने एस को यूज किया फॉर सम और सी को यूज किया फॉर कैरी। अब हम ग्रुप टेबल की कंप्लीशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट केस में आप ये देखेंगे 0+0 इनपुट में ए और बी दोनों 0 0 है, तो जब 0 0 को बाइनरी में ऐड करेंगे तो सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड केस में 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 0+1 करेंगे तो सम में क्या आ जाएगा 1 और कैरी में आ जाएगा 0। इसी तरह 1 और 0 को ऐड करेंगे तो अगेन सम में 1 आ जाएगा और कैरी में 0 आ जाएगा। तो थर्ड केस में लास्ट केस में अगर आप देखें डबल 1 के केस में तो यहां पे क्या है 1 और 1। तो बाइनरी में जब भी आपको पता है कि दो वैल्यूज होती है 0 और 1 तो
जहां पे भी 1 और 1 आएगा तो वो 2 के इक्विवेलेंट लिखा जाता है। 2 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो क्या आता है 10 उसको लिखा जाता है। इस केस में आपके पास नाम क्या है वो 0 हो जाएगा और कैरी में आपका 1 चल जाएगा। ये इसी तरह से है जैसे 5+5 को हमने ऐड किया तो फिर सामने 0 आ गया और कैरी में 1 आ गया। इस तरह बाइनरी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर दोनों ऑन स्टेट्स होगी क्योंकि दो ही ऑप्शंस हैं 0 या 1 तो जहां पे दोनों स्टेट्स ऑन हो जाएंगी दोनों 1-1 आ जाएंगी तो वो डेसिमल में 5+5 के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो उसमें आप सामने 0 लगाएंगे और कैरी में आपके पास 1 आ जाएगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी हमने इस ट्रुथ टेबल की मदद से अब हमने बूलियन फंक्शन ड्राइव करना है। तो बूलियन फंक्शन बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप k मैप बनाएंगे, इस गिवन फंक्शन में k मैप हम यूज करेंगे, कितने वेरिएबल का मैप यूज करेंगे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज हमारे पास 2 है a और b, तो 2 इनपुट वैल्यूज हम यूज करेंगे। कितने नंबर ऑफ मैप्स यूज करेंगे हम इसके? 2 मैप यूज करेंगे। एक मैप जो है वो सम के फंक्शन के लिए यूज करेंगे, एक 2 वेरिएबल मैप हम यूज करेंगे कैरी के फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम सम के फंक्शन के लिए 2 वेरिएबल मैप ड्रा करते हैं। तो ये मैंने एक 2 वेरिएबल मैप बना दिया, यहां पे a और b आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने ये देखना है कि जो सम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑन स्टेट्स है सम के कॉलम में उनको हमने मैप कर लेना है इन वैल्यूज के इन बॉक्सेस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल पहली ऑन स्टेट हमारे पास सम के अंदर ये होगी, इसके अगेंस्ट इनपुट वैल्यू क्या है 0 1 a 0 है b 1 a 0 इधर बन रहा है और a 0 इधर बन रहा है और b इसमें 1 बन रहा है। तो यहां पे हमने 1 लगा दिया बिकॉज अगर आप इसको देखें तो ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। तो मैं इसको इस तरह से कर दूं। सेकंड जो हमारे पास 1 है वो कहां पे बन रहा है? ये वाला। इसके लिए इनपुट वैल्यू क्या है? 1 0। तो 1 0 आपके पास यहां पे बन रहा है तो यहां पे आपने 1 1 बन। अब आपने पेयरिंग करनी है। अगर पेयर बनते होंगे तो अगर पेयर नहीं बनते तो फिर हम क्या करेंगे एज इट इज इनको मिड टर्म की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 0 1 को जब आप मिड टर्म की फॉर्म में लिखेंगे इनपुट वैल्यूज a और b हैं तो इसको लिखेंगे a कंप्लीमेंट b और 1 0 को लिखेंगे a b कंप्लीमेंट। तो सम फंक्शन हमारे पास आ गया a कंप्लीमेंट b प्लस a b कंप्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमारा सम का फंक्शन। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कैरी के लिए मैप बनाएंगे। इसको मैं बता देता हूं। तो कैरी के लिए जब आप मैप बनाएंगे तो कैरी में हमारे पास 2 वेरिएबल मैप हमने ड्रॉ किया a b 0 1 0 1। तो अब आप इसको देखेंगे कैरी के अंदर हमारे पास सिंगल ऑन स्टेट है और वो है लास्ट में, उसके अगेंस्ट इनपुट वैल्यूज क्या बन रही है a भी 1 है और b भी 1 है जो कि यहां पे बन गया। तो इस बॉक्स में हमने 1 लगा दिया लेकिन इसके अलावा कोई भी और वैल्यू मौजूद नहीं है हमारे पास इस कॉलम में कैरी में जो कि ऑन हो। तो हम इसको एज इट इज मेंटर में लिख लेते हैं 1 1 इस बॉक्स की वैल्यू बनती है। तो 1 1 को हम देखेंगे मेंटर में c इज इक्वल टू a इन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सम और कैरी का फंक्शन आ गया। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डिजाइन प्रोसीजर का? वो क्या था कि हमने इसको बूलियन फंक्शन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिक सर्किट में आप कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे पहले हम सम इनपुट से हमारे पास a है b है तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम बहुत सारे तरीके यूज करेंगे इसमें फंक्शन बनाने के लिए। तो अब हम हमारे पास अगर आप इस फंक्शन में देखें तो a का कंप्लीमेंट भी यूज हो रहा है और b का कंप्लीमेंट भी यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a की इनपुट लाइन के साथ इन्वर्टर लगा के a कंप्लीमेंट की लाइन आ जाएगी, यहाँ पे हम b की इन्वर्टर के साथ b कंप्लीमेंट की लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि इस लाइन पे a डायरेक्ट आ रहा है, इसमें a कंप्लीमेंट आ रहा है, इस तरह इसमें b आ रहा है जबकि यहाँ पे b कंप्लीमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम सम को लगेंगे, देखेंगे सम का फंक्शन है a कंप्लीमेंट b प्लस a b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट b a इज कनेक्टेड आफ्टर कंप्लीमेंट आफ्टर इनवर्ट। यहां से a कनेक्ट करेंगे, ये डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन जो है ये ओरिजिनेट कहां से है। ठीक है, तो ये इसके साथ है b a कंप्लीमेंट इनटू b, तो b विदाउट कंप्लीमेंट उसको यहां से ये विदाउट कंप्लीमेंट भी आ रहा है। और चूंकि और a और b के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इसका एंड गेट बना देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सब कोड a कंप्लीमेंट b। सेकंड वन इज a b कंप्लीमेंट, a विदाउट कंप्लीमेंट और b आफ्टर कंप्लीमेंट मींस आफ्टर इनवर्टर
और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया ए बी एंड ए नंबर का हो गया, ये आपके पास ए बी कंप्लीमेंट। थर्ड आपके पास क्या है, दोनों फंक्शंस दोनों मिड टर्म्स के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एडिशन कहां से होगी, और गेट से, हम दोनों की कैंडिडेट्स के आउटपुट को हम और गेट से कनेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा हमारा सम का मैट्रिक्स। उसके बाद क्या लिखा है, ए इनटू बी, तो ये ए ये बी दोनों में डबल कंप्लीमेंट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों में, तो इस तरह से आप ए इनटू बी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक सर्किट बनाया जिसके अंदर मैंने तीन एंड गेट्स यूज किए, दो नॉट गेट्स यूज किए और एक और गेट यूज किया। नेक्स्ट स्टेप डिजाइन प्रोसीजर का था कि इस लॉजिक सर्किट में आप वैल्यूज को रन करें तो उसके प्रति, और फिर देखें कि क्या ये लॉजिक सर्किट वाकई ही एडिशन का काम कर रहा है तो गेट्स के दरमियान या नहीं। तो हम सबसे पहले लेट्स से कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट्स से मैं ले लेता हूँ ये 01 दे देता हूँ, ठीक है 01 क्या ए 0 और बी 1, ए अगर 0 होगा और बी 1 होगा तो फिर हमने देखा है इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आ रही है, सम की जो है वो 1 आ रही है और कैरी की जो है वो 0 आ रही है, मींस कि सम का रिजल्ट 1 आना चाहिए और कैरी का रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं, सबसे पहले हम इस एंड गेट करेंगे, इसके एक लाइन जो है वो आफ्टर इनवर्टर जब आ रही है, मींस कि ए अगर 0 होगा तो आफ्टर इनवर्टर ए 1 को देगा, ठीक हो गया, इस लाइन पे ए 1 आ रहा है। दूसरी लाइन इस एंड गेट में बी डायरेक्ट 1 आ रहा है, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके अंदर तमाम इनपुट्स ऑन हो या तमाम इनपुट्स 1 हो तो उसके आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि आगे एंड गेट लगाया है तो यहां पे आउटपुट इसकी 1 आ जाएगा। सेकंड गेट पर देखते हैं, इस वाले में ए 0 आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ऑन मोड, अब बाकी इनपुट्स को मैं चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एंड गेट लगाया है, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है अगर ए भी 0 होगा बाकी सारी वैल्यूज उसके अंदर गेट लाइन वाली अगर 1 होगी या ऑन होगी तो आउटपुट उस एक 0 की जैसे 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाय 0 जब भी आप करेंगे तो आंसर आपका 0 होगा। तो इसको हम आप बी जो है बी बीच में वैसे 0 आ रहा है, बी 1 है और आफ्टर इनवर्टर 0 आ रहा है, लेकिन इस ए की वजह से पता चल गया इसके आउटपुट 0 होगी। थर्ड केस में ए 0 आ रहा है इस एंड गेट, ए 0 आ रहा है डायरेक्ट इसमें, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी, इस 0 की वजह से बी इसमें 1 आ रहा है, लेकिन इस 0 की वजह से आपका सी की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो आप बस कह ही हो गया 0। यहां पे आपने चेक करना है सम का रिजल्ट, इस और गेट में ये इस लाइन में 1 आ रहा है और इसके आउटपुट में यहां पे 0 आ रहा है, तो और गेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर 100 इनपुट्स हैं और 99 इनपुट्स जो है वो 0 है और अगर सिंगल इनपुट भी ऑन है तो सिंगल इनपुट की वजह से और गेट जो है वो चूंकि एडिशन परफॉर्म कर रहा होता है उसके आउटपुट 1 हो जाते हैं, इस 1 की वजह से ये एससी आउटपुट जो है ये 1 हो जाती है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो लॉजिक सर्किट है ये दो वैल्यूज के दरमियान एडिशन परफॉर्म कर रहा है, और इस लॉजिक सर्किट सर्किट के अंदर दो नॉट गेट्स यूज किए, तीन एंड गेट्स यूज किए और एक और गेट यूज किया, तो हमने देखा कि ये लॉजिक सर्किट जो है ये प्योरली टू वैल्यूज के दरमियान एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इस तरह से ही बनाया जा सके, कुछ और डिफरेंट लॉजिक स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और लॉजिक स्ट्रक्चर रखता हूं, तो अब ये देखें कि ये दो गेट्स के ऊपर की मैंने सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, मैंने ए और बी के दरमियान एक्सक्लूसिव और गेट लगा कर दिया सम के लिए। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर आप इस फंक्शन को देखिए, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो ये एक्सक्लूसिव और का फंक्शन बन रहा है, दिस इज इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और बी। तो मैंने क्या किया, ए और बी के दरमियान डायरेक्ट एक्सक्लूसिव और गेट लगा लिया और मैंने कहा कि ये सम के लिए है। सेकंड केस में मैंने सी के लिए ए और बी के दरमियान ए जब उसमें दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट हो, मीन्स के एक इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो, अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो आउटपुट जो है वो 0 देगा। तो हमारे पास ए 0 आ रहा है बी 1 है तो दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो रही है तो सम हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि 0 और 1 के लिए सम हमारे पास 1 मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे इस लाइन पे ए 0 आ रहा है
और इस एंड गेट में यहाँ से जी का वन आ रहा है, एंड गेट में इसे एक जीरो की वजह से आपकी कैरी की आउटपुट जीरो हो जाती है। तो आपने देखा कि ये हम एक और तरीके से इसको ड्रॉ किया और सेम रिजल्ट हमें मिल गया। तो यहाँ से पता चला कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है उनको डिफरेंट गेट्स यूज करके डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है।